गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था और इसमें एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट किया था. तो आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे. तो ध्यान से देखिए, सॉल्व दिस वर्ड सम्स. तो ये सिंपल वर्ड सम्स है, बस इसमें से हमें क्या करना है, वर्ड सम्स को समझना है, ये जो स्टेटमेंट है समझना है, और फिर उसे कैलकुलेशन करना है. ठीक है, इसमें वर्डिंग नहीं बनाने हैं, सिंपली हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. ऋषि हाउस इज 95 मीटर फ्रॉम द बिजोंस हाउस. ऋषि हैज़ कवर 62 मीटर 75 सेंटीमीटर. हाउ मच मोर डिस्टेंस दैट ही हैव टू कवर. ठीक है, तो जो ऋषि का हाउस है वो 95 मीटर का है, 95 मीटर फ्रॉम. ठीक है, 95 मीटर है किससे, बिजोंस हाउस से. यानी जो बिजन का हाउस है उससे ऋषि का हाउस 95 मीटर है. ऋषि हैज़ कवर 62 मीटर 75 सेंटीमीटर. और जो ऋषि है वो विजन के घर तक आने में, ठीक है, ये रहा ऋषि का घर और ये रहा विजन का घर. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 95. ठीक है, अब ऋषि चलना स्टार्ट किया, आते 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 कहाँ तक आए, यहाँ तक. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर की, 62 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर. तो अब बताइए कि हाउ मच मोर डिस्टेंस डज ही हैव टू कवर, और उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है. तो हम क्या करेंगे, 95 में से इसे माइनस कर देंगे तभी तो आएगा ना. तो ये देखिए 95 यहाँ मीटर है, तो यहाँ लिख लेंगे 95. अब सेकंड में क्या लिखेंगे, 62, और यहाँ लिखेंगे 75. यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया 95 वाले में, तो सेंटीमीटर में हम लिख देंगे 00. यानी हमारे पास क्या बन गया, 95 00. सपोज़ ये मीटर है, ये सेंटीमीटर. ध्यान से यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 75. अब सिंपली से माइनस कर दीजिए, तो ज़ीरो ये यहाँ से कैरी लेंगे, बोरो लेंगे यहाँ, तो 10 में से 5 गया 5, फिर ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 2. अब ये उसे एक दिया था ना, तो ये तो 4 हो गया है, 4 में से 2 गया 2, और फिर ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3225, यानी 32 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ठीक है, इसे जिसके नीचे जो है ना येलो वाले में आया तो उसे मीटर लिखेंगे, और ये पिंक वाले में तो सेंटीमीटर. तो आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. ठीक है, आप इसे अच्छे से लिख दीजिए यहाँ पर, 25 32. ठीक है, इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 2. मम्मी यूज 6 मीटर 75. मम्मी यूज्ड 6 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 शर्ट्स. सी यूज 7 मीटर 25 सेंटीमीटर टू मेक 2 फ्रॉक्स. हाउ मच क्लॉथ डिड सी यूज इन ऑल. जहाँ पर भी लेफ्ट, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हाउ मच डिस्टेंस कवर, जहाँ भी लेफ्ट हो वहाँ माइनस करना चाहिए, और जहाँ टोटल या ऑल ये सब वर्ड आए ना तो वहाँ पे एडिशन करना चाहिए. तो आपको इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, तो 6 यहाँ लिखना है, 75 यहाँ लिखना है, और इसी तरीके से 7 यहाँ लिखना है और 25 यहाँ. अब दोनों को ऐड करिए, और जो येलो वाले में आएगा उसको मीटर, और जो इधर पिंक वाले में आएगा उसको सेंटीमीटर करके यहाँ पे लिख दीजिए. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. भोलू हैज़ कवर इतना सेंटीमीटर ऑफ द 83 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रिज. हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट. सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बनेगा. ठीक है, कि ऋषि को बिजनेस हाउस जाना था ना, तो क्या किया, इतना डिस्टेंस है उसने आधा कवर कर लिया. तो क्या होगा, सेम यहाँ भी हमें वही करना है कि इतना कवर किया है वो. ठीक है, छोटा वाला कवर किया है जो डिस्टेंस है, और इतना पहुँचना है उसको. तो और क्या करना पड़ेगा उसे, तो देखिए यहाँ पे 83 और 15 में से, ठीक है, सेंटीमीटर में से 25 और 29 सेंटीमीटर को माइनस करना होगा. ठीक है, यानी ये वाले से ये वाला माइनस करना होगा. ठीक है, तो आप माइनस करिए और यहाँ पे आंसर लिखिए. ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए एक्सरसाइज 6.5. एक्सरसाइज 6.5 में क्या है, टिक द यूनिट यू विल यूज टू वेट द फॉलोइंग. हमें यूनिट लिखना है इसमें कि जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. तो देखिए छोटा सा कम्पॉक्स है, तो इसमें क्या, आप केजी सुने होंगे ना, क्या आप कभी मार्केट गए होंगे तो क्या बोले होंगे कि 1 किलो आटा दीजिए. ठीक है, तो 1 किलो आटा मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम आटा होता है. ठीक है, ग्राम होता है, तो ग्राम का मतलब बहुत कम, छोटा होता होगा ना, किलोग्राम बोल रहा है. ठीक है, आप एक किलोग्राम 1 केजी लेके आते हैं ना, 1 केजी आटा,
तो कितना होता है, ज़्यादा होता है। और ग्राम, सोचिए ग्राम उससे भी छोटा यूनिट है, ठीक है। तो यानी छोटी चीज़ों को नापने के लिए ग्राम और बड़ी चीज़ों को नापने के लिए केजी यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये, इसमें क्या होगा, दो इसमें ग्राम, इसमें केजी, ये बच्चे को केजी में, ठीक है, ये टूथब्रश को, टूथपेस्ट को ग्राम में, ठीक है। वैसे छोटे डिस्टेंस, छोटे वेट वाले चीज़ों को हम ग्राम में और बड़े वेट वाले चीज़ों को केजी में। तो ये फुटबॉल को ग्राम में, इसे ग्राम में, इसे केजी में, ठीक है, कलर करिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6, जिसमें हमें एडिशन करना है, ठीक है। सेम पहले जैसे किया ना हमने, हमें भी यहाँ भी वही करना है, बस हम इसे ऐड करेंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें ग्राम लिख देना है, ठीक है। यहाँ ग्राम लिख देना है, ग्राम लिख देना, बस सिंपल ऐड करिए और आंसर में ग्राम लिखिए। ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्शन में भी करना है, सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है नॉर्मली, और जो पिंक वाले में आएगा उसे ग्राम, और जो ये वाले में आएगा उसे केजी, जो भी आंसर आएगा उतना केजी, और लिख के फिर ग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो आप एडिशन करिए और ग्राम और केजी लिखिए, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये आगे के क्वेश्चंस को कराऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।